हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके नाइस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, टीजीटी पीजीटी 2019 के लिए ऑनलाइन अधियाचन हो चुके हैं और अब वैकेंसीज़ का आना बाकी है। तो इसी के तहत आपको अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम अपने चैनल पर आपको इतिहास के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं और ज्योग्राफी यानी भूगोल के भी प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सअप ग्रुप से, तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप हमसे जुड़ सकते हो और इन क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता, महाजनपद काल और वैदिक संस्कृति के क्वेश्चनों को कवर किया है। उनकी उन वीडियो के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप उनको भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सअप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी इतिहास की। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए हैं? देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए, पहले तीर्थकार थे ऋषभदेव और सबसे अंतिम यानी 24वें तीर्थकार थे महावीर जैन। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर 24 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। देखिए, त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो बौद्धों का है। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। और ये त्रिपिटक जो लिखे गए हैं पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है ना, किस भाषा में? पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त की थी? देखिए, बुद्ध को जो मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था वो कुशीनारा या कुशीनगर में हुआ था। यानी ऑप्शन ए सही आंसर होगा, कुशीनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स, ये की थी धर्मपाल ने। यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था अशोक के द्वारा। यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा, जो बौद्धों की तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी उसको जो संरक्षण प्रदान किया था वो अशोक ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? पीछे हमने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया था, ये की गई है पाली भाषा में। यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा, त्रिपिटक को जो लिखा गया है वो पाली भाषा में लिखा गया। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, यानी बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात हैं? देखिए, सांची जो विख्यात है बौद्ध स्पूतों के लिए है, तो सही आंसर यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन बी होगा, सबसे बड़ा बौद्ध स्पूत। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? देखिए, महावीर का जन्म जो हुआ था वो जात्रिक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जात्रिक गोत्र में हुआ था। यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा, जात्रिक क्षत्रिय गोत्र में आता है और महावीर का जन्म जात्रिक गोत्र में होता है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर महावीर की माता कौन थी? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में डाउट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा त्रिशाला होगा। ठीक है, महावीर की माता कौन थी? त्रिशाला थी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, त्रिशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो फ्रेंड्स, ये थे सुभद। कौन थे? सुभद। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? सुभद थे। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? यानी प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है ये यहाँ पर पूछा गया है, तो नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो सबसे ज़्यादा जो बौद्धवाद का प्रचार हुआ है वो पाली भाषा में हुआ है। यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा, पाली भाषा। और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक भी किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा, पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? तो मैंने आपको बताया था ऋषभदेव थे, तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, ऋषभदेव। और सबसे अंतिम कौन थे? महावीर जैन थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मठ मंदिर और स्पूत किस धर्म से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? यानी दोनों धर्मों के जो उपदेश दिए गए थे किसके शासन काल में दिए गए थे? तो फ्रेंड्स ये दिए थे बिंबिसार के में, ठीक है ना। दोनों जैन और बौद्ध धर्म के जो उपदेश दिए गए थे वे बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला यानी प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था यानी प्रथम उपदेश, वो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म जो सबसे पहले ग्रहण किया था वह क्या था? महाप्रजापति गौतमी ने, ठीक है ना। किसने? गौतमी ने किया था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोध गया स्थित है, ठीक है, बोध गया जो स्थित है ये बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, बिहार, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है वह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ या बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? यानी गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स ये जो हुआ था आपका गया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गया में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, यानी बौद्ध धर्म यानी सिद्धार्थ को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में बौद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, यानी कि बुद्ध ने जो पहला अपना प्रवचन दिया था, उपदेश दिया था, वह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स वह कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है ना। क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। और जब इनकी मृत्यु हुई थी जब क्या कहलाया था? महापरिनिर्वाण। ओके, तो प्रथम वचन दिया था तब क्या कहलाया था? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो फ्रेंड्स ये डाला था महिला और शूद्रों पर। किस पर? महिला और शूद्र पर डाला था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, यानी जब बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था, गृह त्यागा था, घर को त्यागा था, तो तब का प्रतीक यहाँ पर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यह था घोड़ा, ठीक है ना। क्या था? घोड़ा था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये की गई थी आपकी वैशाली में। कहाँ पर की गई थी? वैशाली में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका नागार्जुन। क्या होगा? नागार्जुन होगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम था? तो फ्रेंड्स महावीर का जो मूल नाम था वह वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो द लाइट ऑफ एशिया जो कहा जाता है वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? द लाइफ ऑफ लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है, यानी एशिया की रोशनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर को निर्माण किसने कराया था? तो फ्रेंड्स ये कराया था चालुक्यों या सोलंकियों ने। किन्होंने किया था? कराया था चालुक्य या सोलंकियों ने कराया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जो आपके TGT PGT 2019 की हिस्ट्री से संबंधित हैं और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आने के चांसेस हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा, लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना मत भूलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे और अच्छी अच्छी PDF आपको TGT PGT 2019 के लिए मिलते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो आपको शाम के टाइम मिलेगी जियोग्राफी की, ठीक है, यानी भूगोल की, जिसमें हम सौरमंडल और ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। लगभग 30 क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, TGT PGT के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।